हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ प्रॉन टिक्का मसाला की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। बहुत ही इजी रेसिपी है, पर टेस्ट बिल्कुल रेस्टोरेंट वाला आएगा। इसमें ना ही मैंने माइक्रोवेव का यूज़ किया है, ना ही तंदूर का, ना ही अवन का। इसे मैंने गैस पे ही तंदूर किया है और टेस्ट में कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा। तो रेसिपी को एंड तक देखिए ताकि आपसे कोई भी स्टेप मिस ना हो। तो सबसे पहले हम प्रॉन को मैरिनेट करेंगे। तो मैंने यहाँ एक बोल में लिया है हाफ कप हंग कर्ड या गाढ़ी दही जो होती है। इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, नमक स्वाद अनुसार। इसमें अब हम डालेंगे 1 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर, धनिया जीरा पाउडर जो होता है 1 टीस्पून हम जीरा पाउडर डालेंगे, कश्मीरी रेड चिली पाउडर और हल्दी पाउडर डालेंगे और हम हाफ लेमन डालेंगे और इसे मिक्स कर लेंगे। इसके बाद हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच सरसों का तेल। आप कोशिश करें मस्टर्ड ऑयल डालने का। अगर आपके पास मस्टर्ड ऑयल नहीं है तो आप रिफाइंड ऑयल भी डाल सकते हैं। इन चीज़ों को अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। अब हम डालेंगे प्रॉन। तो मैंने यहाँ पे 500 ग्राम प्रॉन लिया है। इसे मैंने अच्छे से धो के साफ़ कर लिया है। पानी मत डालिए और इसे हम मिक्स कर लेंगे। इसके बाद हम डालेंगे कटी हुई अनियन और शिमला मिर्च। आप अपने पसंद से इसे काट सकते हैं, बट बड़े पीसेस ही रखिए क्योंकि इसे हमें गैस पे रोस्ट भी करना है। इसके बाद हम डालेंगे 1/2 टीस्पून चिकन मसाला और 1/4 टीस्पून गरम मसाला और अच्छे से सारे इंग्रेडिएंट्स को हम मिक्स करके इसे हम ढक के 30 मिनट के लिए छोड़ देंगे। इसे 30 मिनट का हमें रेस्ट देना है। अभी 30 मिनट हो गए हैं तो अब हम स्कीवर में इस तरह से प्रॉन को डालेंगे। जितने आ रहे हैं आप उतना ही डालिए। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो वेलकम, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बगल में जो बेल आइकन है उसे ज़रूर प्रेस करिए ताकि आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिए और कमेंट्स अपने ज़रूर दीजिए। तो इस तरह से हम डायरेक्ट गैस पर ही इसे रोस्ट करेंगे लो टू मीडियम फ्लेम पर। जब मसाले सूख जाएं तो हम ऑयल या बटर से ब्रश करेंगे ताकि ये मॉइस्ट रहें, ड्राई ना रहें। तो कुछ ही देर में हमारा जो टिक्का है, प्रॉन टिक्का, वो तैयार है। इस तरह से हम निकाल लेंगे। सेम प्रोसेस से हम कैप्सिकम को भी रोस्ट कर लेंगे। गैस का फ्लेम आप बढ़ाते घटाते घटाते रहिए। जब आपको लगे कि जल रहा है तो कम कर दीजिए और हमारा जो कैप्सिकम है वो भी रोस्ट हो गया है। बीच में ऑयल या बटर से ब्रश आप ज़रूर करिए और अनियन को भी हम इसी तरह से रोस्ट कर लेंगे। तो हमारा प्रॉन, कैप्सिकम और अनियन अच्छे से रोस्ट हो गया है। अब मसाले के लिए मैंने यहाँ पे 2 प्याज और 15 से 16 लहसुन लिए हैं और यहाँ 2 टमाटर, कैशनट और ग्रीन चिली और अदरक लिया है और यहाँ मैंने 2 चम्मच घर की जो फ्रेश क्रीम होती है उसे डाल के इसे एक स्मूथ पेस्ट मैंने तैयार कर लिया है। तेल गर्म करेंगे। 2 चम्मच मैंने तेल लिया है, उसमें डाला है जीरा और जो अनियन और गार्लिक को हमने छील के रखा था उसे हम गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। मैंने यहाँ पे 2 छोटे साइज़ के अनियन लिए हैं। आप अपने करी के हिसाब से आप अनियन डालिए। अगर आप ज़्यादा लोगों के लिए बना रहे हैं तो अनियन और गार्लिक और ज़्यादा कर दीजिए। अच्छे से फ्राई करके इसमें पानी डाल के हम पेस्ट बना लेंगे। फिर से मैंने 3 चम्मच तेल गरम किया है। डालेंगे इसमें जीरा और तेज़पत्ता डालेंगे, गरम मसाले जो होते हैं, लौंग इलायची डालिए और हल्दी और लाल मिर्च पाउडर आप तेल में ही डालिए और जो टमाटर का पेस्ट हमने तैयार किया था वो डाल देंगे और इसे लो फ्लेम पे ढक के हम तेल छूटने तक पकाएंगे। टमाटर मैंने 2 लिया था, उसमें 5 से 6 मैंने कैशनट डाला था, ग्रीन चिली डाला था, अदरक डाला था और फ्रेश क्रीम डाला था। अभी तेल छूट गया है तो जो हमने अनियन पेस्ट तैयार किया था वो डाल देंगे और अच्छे से मिक्स करके फिर से हम इसे ढककर कुछ देर पकाएंगे। और इसमें हम डालेंगे नमक, 2 चम्मच चिकन मसाला और 1 चम्मच के लगभग किचन किंग मसाला। अगर आपके पास किचन किंग मसाला नहीं है तो आप धनिया जीरे का पाउडर भी डाल सकते हैं। किचन किंग मसाला से जो टेस्ट है वो बहुत अच्छा आता है। कवर करके थोड़ी देर हम और पकाएंगे। आप देख सकते हैं तेल छूट गया है। तो अब जो हमने रोस्ट करके रखा था टिक्के को, प्रॉन टिक्का और कैप्सिकम अनियन को, उसे डाल देंगे और इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे।
थोड़ी देर और हम इसे ढक के पकाएंगे 1 से 2 मिनट के लिए। तो आप देख सकते हैं मसाले अच्छे से भुन गए हैं और सब कुछ अच्छे से मिल गया है, तेल भी छूट गया है। तो अब हम इसमें डालेंगे कसूरी मेथी, ड्राई फेनुग्रीक लीव्स जो होते हैं वो डालेंगे 1 चम्मच के लगभग, मिक्स करेंगे। और अब हम डालेंगे पानी, तो पानी आप अपने ज़रूरत के हिसाब से डालिए, जितनी थिक ग्रेवी आपको चाहिए उस हिसाब से डालिए। तो मैंने 1/2 कप वार्म वाटर डाला है। इसके बाद हम इसमें डालेंगे 1/4 टीस्पून गरम मसाला। गरम मसाला आप बहुत ही कम डालिए क्योंकि हमने मैरिनेशन में भी डाला था। और इसे ढककर हम 2 मिनट के लिए पकाएंगे लो फ्लेम पे। अब हम इसमें डालेंगे बटर, इससे बहुत ही अच्छा ग्लेज आता है आपकी ग्रेवी में। और बस धनिया पत्ते से हम इसे गार्निश करेंगे और हमारा प्रॉन टिक्का मसाला बनके तैयार है। आई होप आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए कीप कुकिंग एंड कीप वॉचिंग।